उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। मुरादाबाद में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी दिन रात अपने चुनाव में लगे हैं और वोट के लिए जनता के बीच अपील करने जा रहे हैं। लेकिन देश में चल रही कोरोना महामारी के बावजूद भी ना तो प्रत्याशी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे और ना ही इनके समर्थक। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनमें से किसी एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसका जनता पर क्या असर होगा। कहीं यह चुनाव जनता की जान पर भारी न बन जाए। पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई कि पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी भारी संख्या में समर्थकों के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए रैली निकाल रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्याशी और उसके वाहन को साथ थाने ले गई। प्रत्याशी को देख प्रत्याशी के साथ पहुंची समर्थकों की भीड़ वहां से भाग गई। देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सर आप इतनी गाड़ी के लोग निकल रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, किसने परमिशन दिया आपको यहाँ निकालने की? अरे परमिशन का यहाँ से खेतों में लेकर आए। आप रोड से हाईवे से आए ना, ये कैसा है? आप हाईवे से निकल के आए थे सर? अरे गाड़ी में बैठो हमारी में भाई। अरे हमारी में बैठो भाई। अरे हमारी में बैठो। अरे हमारी में बैठो। अरे हमारी में बैठो भाई। हमारी में बैठो। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे 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 आप इतनी गाड़ी के लोग निकल रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, किसने परमिशन दिया आपको यहाँ निकालने की? अरे परमिशन का यहाँ से खेतों में लेकर आए। आप रोड से हाईवे से आए ना, ये कैसा है? किसी अधिकारी से? आप हाईवे से निकल के आए थे सर? लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।